हेलो एवरीवन, दिस इज़ इबा क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के CBSE के पोएम अ टाइगर इन द ज़ू, जिसके पोएट है लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में पोएट ने दो टाइगर के बीच डिफरेंस बताया है, कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाया है। पहला टाइगर तो केज के अंदर बंद रहता है, जिसके पास कोई फ्रीडम नहीं रहता, वह केज में बंद रहता है, उसकी सारी ताकत जो रहती है वो केज में ही दबी हुई रहती है। और दूसरा टाइगर जो रहता है वो अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल में रहता है, उसके पास फ्रीडम होता है, वो आराम से घूम फिर पा रहा होता है और जानवर को शिकार करके खा पा रहा होता है। तो चलिए पोयम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, साथ ही पोयम के पढ़ने के बाद हम लोग इसके राइम स्कीम, इसके पोएटिक डिवाइसेस और वर्ड मीनिंग्स को भी देखेंगे। तो चलिए पहले पोयम को लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक करना या फॉलो करना। तो टाइगर जो है वो वॉक कर रहा है विथ हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर। स्ट्राइप्स हम जानते हैं, स्ट्राइप्स मतलब होते हैं धारियाँ। जब आप टाइगर को देखोगे तो उसका बॉडी को आप ध्यान दिए होगे, उसके बॉडी में ब्लैक कलर की धारियाँ बनी हुई होती है, उसे स्ट्राइप्स कहते हैं। तो वो वॉक कर रहा है विथ हिज ब्राइट, और कहाँ वॉक कर रहा है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब केज तो बहुत छोटा होता है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है जंगल के आप कंपेयर करोगे तो केज तो काफ़ी छोटा होता है। तो वहीं पर वॉक कर रहा है, फ्यू स्टेप्स ले रहा है, बिकॉज केज तो बड़ा है ही नहीं, तो वहाँ पर फ्यू स्टेप्स ही वो ले सकता है, इसलिए वो वॉक कर रहे हैं अपने केज में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पे बात की जा रही है उसका, आप टाइगर के जो पैर होते हैं आप देखोगे तो उसके पैर में क्या होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वेलवेट टाइप का, थिक टाइप का वो लगता है, जैसे वेलवेट कपड़ा जैसा होता है वैसे ही सॉफ्ट टाइप का लगता है उसको देखने में, उसके पैड्स जो होते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, तो यहाँ पे क्वाइट का मतलब होता है एक्चुअल में साइलेंस, और रेज मतलब होता है एंगर। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि टाइगर जो है वो काफ़ी गुस्से में है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाया हुआ है और शांत है, गुस्से को दबाया हुआ है, क्योंकि वो केज के अंदर तो कुछ कर नहीं सकता ना, लोग उसको देखने आ रहे हैं, फोटो क्लिक्स कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो केज के अंदर बंद है, इसलिए वो अपने गुस्से को दबाया हुआ है और शांत है। तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि टाइगर का जो ज़ू में होता है तो एक केज के अंदर बंद हो तो उसके क्या कंडीशन होती है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि एक्चुअल में टाइगर को क्या करना चाहिए, लेकिन टाइगर तो कुछ कर नहीं सकता, अभी तो वो फिलहाल केज में बंद है, लेकिन टाइगर को क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है छिपा हुआ होना, अपने शिकार के इंतज़ार में छिपा हुआ होना। तो उसे अपने लॉन्ग ग्रासेस के शैडो में छुपना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई प्लम्प डियर, कोई मोटा सा डियर आए पानी पीने के लिए वाटर बॉडी में, तो उस पर वो हमला कर दे और उसे खा ले। तो हम लोग अक्सर डॉक्यूमेंट्री वगैरह में या मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि जब जैसे कोई हिरन डियर आता है पानी पीने के लिए, तो टाइगर उसको पहले छुप के देखता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है सही मौका है तो उस पर हमला करके उसे, तो टाइगर का तो नेचर ही है ये कि वो एनिमल्स को शिकार करके खाता है, तो उसको यही करना चाहिए था, लेकिन वो अभी फ़िलहाल बेचारा केज में बंद है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो यहाँ पे बता रहे पोइट कि टाइगर को क्या करना चाहिए था, स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है दहाड़ लगाना चाहिए था, गरजना चाहिए था अराउंड द हाउसेस, जो कि जंगल के एज में है, जो घर जो जंगल के किनारों में है, तो उस घर के आसपास जाकर के उसे दहाड़ना चाहिए था, अपने तुत को, अपने दांत को, फैंग्स मतलब होता है दांत, अपने दांत को दिखाकर, अपने क्लॉज को दिखाकर, अपने पंजों को दिखा के वहाँ वो गाँव वालों को डराना चाहिए था। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन बेचारा उसे जंगल में होना चाहिए था, उसे दहाड़ना चाहिए था, उसे गरजना चाहिए था, लेकिन वो अभी कहाँ पर है, वो बेचारा कॉन्क्रीट सेल में लॉक है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो कि सैंड और ब्रिक्स से बना हुआ होता है, तो वो बेचारा अपने पिंजड़े में, वो कॉन्क्रीट उस बार्स के पीछे है, उसकी जो ताकत है वो भी उस केज में बंद है, वो बार्स के पीछे उस केज में वो भी बंद है उसकी ताकत, क्योंकि वो केज के अंदर तो कुछ कर ही नहीं सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इस केज, स्टॉकिंग मतलब अगेन मैंने आपको बताया चलना, वो अपने केज में, इग्नोरिंग विजिटर्स मतलब जो विजिटर्स उसे देखने आ रहे हैं, उसकी फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हैं, टाइगर उसे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसकी ताकत जो है वो ज़ू के अंदर बंद है, वो केज के अंदर बंद है, इसलिए वो अपने गुस्से को दबाया हुआ है। उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है ना क्या, वो तो बस सोच रहा है कि मुझे फ्री कर दिया जाए, मुझे भी आज़ाद कर दिया जाए, मैं भी जंगल में रहूँ, मैं भी वहाँ पर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहूँ और अपना आराम से घूमूं फिरूँ, लेकिन वो बेचारा यहाँ पे केज में बंद है।
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो जो लास्ट वॉइस उसे रात में मिलती है सुनने के लिए वो किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स मतलब होते हैं वो कार जो कि गार्ड करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है कि सब कुछ केज वगैरह सही से बंद है कि नहीं, कोई आदमी यहाँ पे छुट तो नहीं गया, वो चेकिंग के लिए आता है. तो उसको टाइगर को लास्ट वॉइस रात में पेट्रोलिंग कार्स सुनाई देती है. और इस वक्त वो क्या कर रहा होता है? एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. तो वो देख रहा होता है, स्टेयर्स मतलब होता है देखना, वो देख रहा होता है वो स्टार्स को, चमकते स्टार्स को विथ हिज ब्रिलियंट. तो पोएम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम लोग इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं ताकि एग्जाम में वो भी पूछे जाए तो आप लिख सको. स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक या फिर फॉलो, पीछा करना. विविड मतलब होता है ब्राइट कलर्ड, जिसे हिंदी में उज्ज्वल कहते हैं. रेज, रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा. लर्किंग का मतलब होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, छिपा हुआ होना अपने शिकार के इंतज़ार में. स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है साउंड्स मेड बाय एनिमल्स, जो साउंड्स एनिमल्स निकालती है, गरजना या फिर उसे दहाड़ना भी कह सकते हैं. बेरिंग, बेरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड, खोलना. फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, नुकीला अथवा विशाली दांत जानवरों के. पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब होता है टू गार्ड और टू विजिल, पहरा करना. प्लम्प का मतलब होता है फैट, मोटा. आइए अब हम लोग इस पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई है उसे देख लेते हैं. पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी नॉन ह्यूमन को हम लोग ह्यूमन जैसा दिखा रहे होते हैं. जैसे कि यहाँ पे पोएट ने टाइगर को ही से रेफ़र किया है. ही तो हम जानते हैं कि वो पर्सन के लिए हम लोग ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं. टाइगर तो एक एनिमल है, इसके लिए इट का यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर टाइगर के लिए ही यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन का मतलब होता है जब कोई दो अपोजिट वर्ड को हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पर है क्वाइट रेज. क्वाइट मतलब होता है शांत होना, लेकिन रेज का मतलब होता है गुस्सा. तो यहाँ पे एक तरफ गुस्सा है एक तरफ शांत है, तो ये दोनों ही ऑपोजिट है एक दूसरे के और दोनों को साथ में यहाँ पे यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब होता है जब हम लोग क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ होता है. जैसे कि ही हियर्स, यहाँ पे दोनों साथ में यूज़ किया गया ये दो वर्ड और दोनों का स्टार्टिंग जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से है. कॉन्क्रीट सेल बिहाइंड बार्स, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ है. नेक्स्ट है मेटाफर. मेटाफर का मतलब होता है दो अनलाइक चीज़ को, दो डिफरेंट चीज़ को हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, दोनों को सिमिलर बता रहे होते हैं. जैसे कि यहाँ पे टाइगर पॉज आर कंपेयर टू वेलवेट पैड्स. टाइगर के जो पॉज है उसे क्या कहा गया? वेलवेट पैड्स. इसलिए टाइगर का पॉज को वेलवेट पैड के साथ सिमिलर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया. ये पोएम हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके लिए. अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब